तहदिल से आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। धरती के जन्नत में चमकता रोशनी एक सितारा। तो जोरदार तालियां बच्चों से गुजारिश, पेरेंट्स से गुजारिश। एनरोलमेंट ड्राइव शुरू किया गया है। इस एनरोलमेंट ड्राइव का मकसद है कि जो भी बच्चे हैं उनको हम गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिट करवाएं। इसी सिलसिले में हमारे इस जून में ये जो आज का प्रोग्राम है ग्रैंड एनरोलमेंट ड्राइव शुरू किया गया है। इस एरिया की बागयूर आवाम, रिस्पेक्टेड डेप्यू मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स, प्रिंसिपल साहब हैं यहाँ पे, डेप्यू मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स, मेरे अजीज बच्चों, हमने इनरोलमेंट ड्राइव शुरू की और ये यही नहीं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट तक ही निर्भर नहीं है बल्कि ये पूरी J&K यूटी के अंदर इस वक्त इनरोलमेंट ड्राइव है। और इनरोलमेंट ड्राइव का मतलब यही नहीं कि किसी बच्चे को एक स्कूल से निकाला जाए दूसरे स्कूल में डाला जाए, इसका मतलब सिर्फ ये है, इसका मकसद यही है कि हर बच्चा जो है वो स्कूल में आए, हर बच्चा जो है वो तालीम पाए। अगर आगे बढ़ना है, अगर आगे बढ़ना है। तहदिल से आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। धरती के जन्नत में चमकता रोशनी एक सितारा। तो जोरदार तालियां बच्चों से गुजारिश, पेरेंट्स से गुजारिश। एनरोलमेंट ड्राइव शुरू किया गया है। इस एनरोलमेंट ड्राइव का मकसद है कि जो भी बच्चे हैं उनको हम गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिट करवाएं। इसी सिलसिले में हमारे इस जून में ये जो आज का प्रोग्राम है ग्रैंड एनरोलमेंट ड्राइव शुरू किया गया है। इस एरिया की बागयूर आवाम, रिस्पेक्टेड डेप्यू मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स, प्रिंसिपल साहब हैं यहाँ पे, डेप्यू मैम, रिस्पेक्टेड टीचर्स, मेरे अजीज बच्चों, हमने इनरोलमेंट ड्राइव शुरू की और ये यही नहीं अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट तक ही निर्भर नहीं है बल्कि ये पूरी J&K यूटी के अंदर इस वक्त इनरोलमेंट ड्राइव है। और इनरोलमेंट ड्राइव का मतलब यही नहीं कि किसी बच्चे को एक स्कूल से निकाला जाए दूसरे स्कूल में डाला जाए, इसका मतलब सिर्फ ये है, इसका मकसद यही है कि हर बच्चा जो है वो स्कूल में आए, हर बच्चा जो है वो तालीम पाए। अगर आगे बढ़ना है, अगर आगे बढ़ना है।